बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में बसे मेरे भाई सब बखूबी जानते हैं कि सऊदी अरब में इस वक्त 5 दिन का कर्फ्यू चल रहा है, यानी कि 30 रमज़ान से 4 शवाल तक, जो ईद के 5 दिन के लिए लगाया गया था। और बुध वाले दिन, 4 शवाल वाले दिन ये ख़त्म हो रखा है और जुमेरात वाले दिन हम वही पुरानी जो हमारी ज़िंदगी थी उस पर लौट आएंगे, यानी कि 9 से 5 बजे तक कर्फ्यू में नरमी रहेगी, उसके बाद कर्फ्यू रहेगा। जिन हजरात के पास परमिशन तसरी वगैरह है वो अपनी तसरी के लिहाज से कहीं भी आ जा सकते हैं, टाइम टेबल जो उस पर लिखा होता है। तो भाई सऊदी गवर्नमेंट ने बड़े ऐलानात करने का कह दिया है, जुमेरात वाले दिन से ये बड़े ऐलानात किए जाएंगे, लेकिन इनकी तरफ इशारा अभी से वज़ीर सेहत ने दे दिया है और वो एक बड़ा इशारा भाई ये है कि आप अपने घरों से निकल सकते हैं, लेकिन अपनी माउथ और नोज़ को आपने ढांपा हो, यानी कि कोई मास्क वगैरह या कोई कपड़े का ऐसा पीस आपने अपने माउथ और नोज़ पर रखा हो बस। तो भाई दुबई ने भी ये ऐलान कर दिया है कि सुबह 6 से रात 11 बजे तक कर्फ्यू नहीं होगा दुबई में, ये दुबई ने ऐलान कर दिया है। और जुमेरात वाले दिन मज़ीद इसके मुतलक दुबई ने बोला है कि हम ऐलान करेंगे। तो कुवैत ने भी ये ऐलान किया है कि जुमेरात वाले दिन से इंशाल्लाह ताला हम भी बड़े ऐलान करेंगे आम नॉर्मली जो हमारी ज़िंदगी है उसकी तरफ आने के लिए। तो सऊदी गवर्नमेंट ने भी भाई ये ऐलान कर दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको वज़ीर सेहत का एक बयान पढ़कर सुना दिया है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि जुमेरात वाले दिन से ही हम इंशाल्लाह ताला हमारी जो नॉर्मली लाइफ है, जो जैसा कि कर्फ्यू से पहले थी, उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। हो सकता है इंशाल्लाह ताला ये ऐलान ऐसे ही होंगे, जैसा कि मुकम्मल कर्फ्यू ख़त्म कर दिया जाएगा या सुबह 6 से रात 11 बजे तक ख़त्म कर दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंशाल्लाह चलाई जाएगी भाई, शहर टू शहर आप कहीं भी एक से दूसरे शहर आ जा सकते हैं। और इंटरनेशनल रह गया मसला इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का, वो अभी भी सऊदी अरब की चल रही हैं, लेकिन कुछ पाबंदियों के होते हुए मखसूस मकदार में चलाई जा रही हैं, लेकिन जुमेरात वाले दिन के जो ऐलानात किए जाएंगे उनके बाद उनकी तादाद भी बढ़ाई जाएगी। इधर से छुट्टी पर जाने वाले भाई इंशाल्लाह ताला अभी जा सकेंगे जल्द, और उधर जो मेरे भाई बैठे हुए हैं उनके मुतल्लक भी कुछ ना कुछ ऐलान किया जाएगा कि उन्हें अभी वापस बुलाया जाएगा सऊदी अरब में, या फिर उन्हें बोला जाएगा कि आप कितने दिन या कितने माह और स्टे कर सकते हैं अपने मुल्क में, उसके बाद बुलाया जाएगा। लेकिन भाई मैं आपको बताता चलूँ, थर्सडे वाले दिन यानी कि जुमेरात वाले दिन इसके मुतल्लक बड़े ऐलान किए जा रहे हैं कर्फ्यू के मुतल्लक, और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि मुकम्मल कर्फ्यू ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर मुकम्मल किया जाएगा तो सुबह 6 से रात 11 बजे तक ज़रूर ख़त्म कर दिया जाएगा, और इस दौरान आप कहीं भी आ जा सकेंगे। हो सकता है मस्जिद वगैरह में नमाज के लिए भी बोला जाए, लेकिन वो 1 से 2 मीटर का वक्फ़ा रखा जाएगा नमाजियों के दौरान, ये तो अभी आने वाले 1-2 दिनों में पता चल जाएगा। और जैसे ही हमें इसके मुतल्लक कुछ भाई बेहतरीन किस्म की न्यूज़ मिलेगी, हम आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर वो भी शेयर करेंगे।